हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल ओवर स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के। दोस्तों जो सवाल मैंने छोड़ा था आपको वो मैं कंप्लीट करने वाला हूं, यानी कि पाँचवा तक। दोस्तों मैंने पाँच तक बता दिया था, जो पाँचवा का दोस्तों चार तक सवाल तो मैंने बता दिया था, और आज पाँचवा सवाल देखेंगे, यानी कि पूरा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल दोस्तों हमारा पाँचवा जो है कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कॉस ए प्लस कोट ए, इतना प्रूव करो। आप किताब से देख लीजिए, मैंने किताब नहीं, मैंने क्वेश्चन लिख लिया पूरा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS मैंने इतना ले लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन ए से भाग देंगे। इसमें क्या कह रहा है ना, इसमें यूज कह रहा है दोस्तों, आप इसमें हिसाब कह रहा है कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर ए, इस ये फॉर्मूला यूज करके आप इस हिसाब को बनाओ। ठीक है, तो मैंने फिलहाल LHS लिया है, ये LHS आपका देख सकते हैं, हमें पता है कि हम LHS से ही RHS हमेशा पुराते आ रहे हैं, तो LHS मैंने सबसे पहले ये वाला लिख लिया LHS इतना। अब जो क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ऊपर नीचे साइन ए से भाग दीजिए। देखिए अब कॉस ए में साइन से भाग दिया तो कॉस ए बटे साइन ए, फिर माइनस है माइनस, फिर साइन ए में साइन ए से भाग दिया साइन ए बटे साइन ए, फिर प्लस है प्लस, फिर वन बटे साइन ए, अब फिर इसमें बटे है तो बटे देंगे, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों से भाग दे रहे हैं ना, फिर कॉस ए बटे साइन ए, फिर साइन ए बटे साइन ए, फिर माइनस वन बटे साइन ए। अब देखो ये कॉस ए बटे साइन ए क्या सूत्र होता है, कॉट ए होता है, होता है ना, कॉस ए बटे साइन ए आपका सूत्र होता है कॉट ए, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए लिख दिया, फिर साइन साइन ये तो खत्म हो गया आपका, माइनस एक बचा, फिर वन बटे साइन ए आपका सूत्र होता है कॉस ए। ठीक है, ये सब सूत्र होता है, ये सब मैं नहीं कह रहा। चलो और देखो आप, और देखिए फिर कॉस ए बटे साइन ए फिर कॉट ए, फिर साइन साइन ए कट गया तो प्लस वन बचा, फिर वन बटे साइन ए तो कॉस ए। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसको आप सेपरेट कर लो, क्या करो सेपरेट, प्लस वाले को प्लस का साथ सेपरेट कर लो, माइनस को माइनस सेप। अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक, मैंने इसको एक साथ लिख दिया और माइनस वन को अलग कर दिया। ठीक है, फिर नीचे कॉट ए और माइनस कोसेक, तो कॉट ए और माइनस कोसेक एक साथ लिख दिया और प्लस को भी वन, यानी इस तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सूत्र यही कह रहा है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला यूज करके इस सवाल को बनाओ। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले, देखो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो तो कोसेक स्क्वायर है, ये जो प्लस कॉट स्क्वायर है इधर मैं इधर खींचेंगे तो माइनस होगा, तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इधर बचा वन। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने इसको लिख दिया है बराबर वन, यानी कि दोस्तों वन जो है इतने के बराबर है ना, इतने के बराबर। तो क्या मैं जहाँ भी वन होगा उसके जगह पर ये लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके बराबर है। देखो अब तो यहाँ वन है तो मैं इसके जगह पे ये पूरा लिखूंगा, ये पूरा लिखूंगा, क्योंकि वन के जगह पे यही है ना। देखो अब देखो लिखे तो कोट ए प्लस कोसेक के, अब देखो वन है तो वन के जगह हम ये लिख रहे हैं, तो कोसेक प्लस कोट ए इंटू कोसेक माइनस कोट ए। ठीक है, अब नीचे जो है उसको आप लिख दो कोट ए माइनस कोसेक प्लस वन। अब देखो हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे आप। अब जो कोट ए प्लस कोसेक है, कोट ए प्लस कोसेक है, ये दो गो है, जब ज़्यादा खंड रहता है उसमें हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम कॉमन लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉमन लिया है। जब हम कोसेक प्लस कोटे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए जब कॉमन लेंगे तो ये वन बचेगा और ये फिर क्या वन, तो वन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो जब कोसेक प्लस कोट कॉमन लेंगे वन बचेगा और इधर क्या है, इधर आपका ये वन बचेगा और ये इधर क्या बचेगा माइनस, तो माइनस कोसेक प्लस माइनस कोटे बचेगा। तो ठीक है, इतना तो समझ में आपको, वन माइनस कोसेक माइनस कोट, ठीक है यहाँ तक बच गया। अब जरा आप यहाँ पर देखो, जो वन प्लस वन यहाँ भी प्लस वन, माइनस कोसेक है यहाँ भी माइनस कोसेक है, अब प्लस कॉट ए है यहाँ पे प्लस बी कॉट है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका कट जाता है। जब कट जाता है तो यही बचता है आपका, यानी कि यही तो हमें प्रूव करना है, तो हो गया दोस्तों LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ये तो यही है ना, इतना बराबर इतना हमें प्रूव्ड करना, तो प्रूव्ड हो गया, आए समझ में। अब हम देखते हैं, तो आप छठा सवाल दे सकते हैं, छठा सवाल है वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए का अंडर रूट बराबर इतना आप प्रूव कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS मैंने ले लिया यहाँ पर, देखिए वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए। आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे वन माइनस साइन ए हम कर नहीं मारेंगे, जब नीचे माइनस है तो ऊपर क्या करेंगे प्लस से गुणा करेंगे, तो वन प्लस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए। अब देखो रूट में दोनों है, सब रूट में, तो वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए गुणा करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब नीचे देखो वन माइनस साइन है यानी कि वन प्लस साइन, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला याद रख लो यही लगा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या ले सकते हैं ए स्क्वायर, तो एक बदले में क्या एक, एक का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, तो बी के बदले में क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर है। अब देखो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर है, अब देखो ये स्क्वायर और रूट के क्या हो जाएगा, कट जाएगा ठीक है, तो क्या बचेगा वन प्लस साइन ए बचेगा, अब फिर क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर, ये मैंने इसको लिख दिया। अब देखो फिर वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन लिख दिया,
अब देखो कॉस स्क्वायर जब रूट से टूटेगा यानी वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या कॉस ही होगा ना। अब देखो अब आपका सवाल बन चुका। अब देखो जब जो ऊपर जो है क्या करें, नीचे हम भाग देंगे, वन बटे कॉस है तो वन बटे कॉस है, फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर साइन बटे कॉस है तो साइन बटे कॉस है। अब देखो वन बटे कॉस है हमारा सूत्र क्या होता है, सेके होता है तो सेके लिख दिया, फिर साइन बटे कॉस है सूत्र क्या होता है टेन है, ये सब सूत्र होता है। तो आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है देखिए हो गया ना, इतना आपका प्रूव्ड हो गया, देख सकते हैं इतना बराबर इतना प्रूव्ड हो गया सेके। ठीक है चलिए अब देखिए आप सातवां सवाल, सातवां सवाल है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटे टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको टेन थीटा प्रूव्ड करना है। ठीक है बस कुछ नहीं, सबसे पहले एल एच एस लो, तो मैंने एल एच एस ले लिया, एल एच एस ये वाला पार्ट को एल एच एस बोलते हैं पता होगा आपको, और ये वाले पार्ट को आर एच एस बोलते हैं। ठीक है तो एल एच एस मैंने ले लिया। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, तो दोनों ऊपर नीचे, ऊपर साइन कॉमन ले लो नीचे कॉस कॉमन ले लो, तो मैंने ऊपर सब साइन कॉमन लिया, साइन कॉमन लिया साइन साइन खत्म हो जाएगा, एक बचेगा फिर माइनस है तो माइनस आएगा, फिर इसमें साइन से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तीन साइन है तो दो साइन बचेगा तो क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे अब फिर नीचे वही नीचे कॉस थीटा कॉमन लो, जब यह तीन कॉस थीटा है तो एक कॉस थीटा जाएगा तो दो कॉस थीटा बचेगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा या माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। अब देखो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में तो क्या टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सबको। अब देखो वन माइनस अब देखो यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ये सबको पता होगा आपको, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैंने ये लिखा है। ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बटे नीचे जो है नीचे वो नीचे सिर्फ ढोते रहो, नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब देखो टेन थीटा तो वन माइनस, अब देखो टू गुना वन टू, अब माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, आए समझ में। अब देखो टेन थीटा नीचे जो है नीचे करते जाएंगे, नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखो टेन थीटा हुआ, अब देखो वन माइनस दो कितना होगा माइनस वन होगा, वन माइनस दो माइनस वन होगा। अब देखो तो ये टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जो प्लस वाले इधर ले लिए और माइनस इधर ले लिए, अब देखो कट गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या बचा टेन थीटा हो गया प्रूव, यही कर रहा प्रूव करने, देखिए आप यही कर रहा प्रूव करने, यहाँ इतना बड़ा इतना प्रूव करने करा। तो हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, ये लिख देंगे। ठीक है चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। चलिए आठ नंबर सवाल देखिए आप, आठ नंबर सवाल आपका है साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। आप ना बुक में बुक लेके बैठ जाओ, फिर मैंने क्योंकि क्वेश्चन मैंने सारा लिख लिया, मेरे पास बुक है नहीं अभी, तो प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर सात टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना आपको इतने से इतना आपको प्रूव्ड करने बोल रहा है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं एल एच एस लेते हैं दोस्तों, तो एल एच एस मैंने ये पूरा लिख लिया है, देखिए एल एच एस पूरा लिख लिया है, इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, ये सूत्र सभी एक बच्चा जानता है दोस्तों, फाइव फोर क्लास का आप क्यों नहीं जानेंगे। ठीक है तो यही सूत्र लगाएंगे, इसको ए मान लो इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो तो ए स्क्वायर बदले में साइन स्क्वायर है, अब फिर बी स्क्वायर के बदले में कोसेक स्क्वायर है प्लस टू ए बी प्लस टू, ए के बदले में साइन है साइन है, बी के बदले में कोसेक। ठीक इसका काम खत्म। अब इसका देखो अब ए स्क्वायर ए के बदले में कोस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले में क्या कोस सेक है तो सेक का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू के बदले टू ए के बदले में क्या कोस है और बी के बदले में क्या सेक है, इतना तक समझ में आया। अब देखो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है ये वन सूत्र होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कोसेक स्क्वायर है इसको लिख लो आप कोसेक स्क्वायर है और देखो और इस सेक स्क्वायर है इसको आप लिख लो। ठीक है और इधर क्या बच गया आपका प्लस टू साइन ए इंटू कोसेक ए बचा ना। अब देखो कोसेक को क्या हम लिख सकते हैं वन बटे साइन ए, सूत्र होता है क्या होता है ये सूत्र होता है। अब देखो इतना हो गया, अब इसको कटा दो बचा, अब फिर प्लस एक बंदा और बच गया ये बच गया, देखो इसको लिख सकते हैं टू कॉस ए। अब देखो सेक ए है ना, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं वन बटे कॉस ए। ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब फिर कॉस कॉस कट गया क्या बचा दो बचा, अब देखो एक और यहाँ दो क्योंकि कट गया है एक दो तीन और तीन दो पाँच, तो पाँच लिख सकते हैं प्लस। अब देखो यहाँ क्या कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है चलो अब देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है वन प्लस टेन स्क्वायर, ये सब क्या होता है ये फॉर्मूला आता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो पाँच एक छः, छः एक सात, सात प्लस अब टेन स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर हो तो गया अप्रूव्ड आपका। हैंस हैंस मिस क्या होता है अतः अतः एल एच एस बराबर आपका आर एच एस प्रूव हो गया। ठीक है चलिए देखते हैं नवा सवाल। अब देखो नवा सवाल में हम क्या करेंगे, नवा सवाल में एल एच एस और आर एच एस दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे, बात वही बराबर पड़ता है। ठीक है चाहे एल एच एस बराबर आर एच एस हम बराबर कर देंगे,
तो मैंने LHS भी ले लिया है और RHS भी इधर ले लिया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोसेक को लिख सकते हैं, वन बटे साइन ए सूत्र होता है, फिर माइनस, अब साइन ए को वैसे ही रह दो, कुछ नहीं है तो बटा एक है, एक दो या दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सेक ए को लिख सकते हैं वन बटे कॉस ए, फिर माइनस कॉस ए, मतलब एक, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर देखो वन बटे, अब देखो टेन ए है, टेन ए को क्या ले सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए सूत्र होता है, फिर प्लस, फिर कॉट ए को क्या ले सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, ये सूत्र होता है। अब देखो इसका आप एलसीएम लो, साइन ए और वन का एलसीएम लो, साइन ए आएगा, फिर साइन ए में साइन ए जाएगा एक, एक गुना एक, एक माइनस एक गुना साइन ए, एक में साइन, साइन ए से भाग दोगे तो साइन ए बार में जाएगा, फिर साइन ए गुना साइन ए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट घेर दो, फिर इसका देखो, फिर कॉस ए और एक का लघुत्तम लोगे तो कॉस ए होगा, अब कॉस ए में से कॉस ए एक बार में जाएगा, एक गुना एक, एक माइनस, फिर एक में कॉस ए से भाग जाएगा तो क्या कॉस ए ही होगा, तो कॉस ए गुना कॉस स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, इधर कॉस ए और साइन ए का एनसीएम निकालो तो क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए होगा, ठीक है। अब देखो कॉस ए से कॉस ए जाएगा तो क्या खत्म, तो साइन ए बचेगा, साइन गुना साइन ए, साइन स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस है, प्लस है, देखो साइन साइन खत्म तो क्या बचा, कॉस, तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर। ये एलसीएम है, ये बच्चों वाली बात है, ये सब आपको आना चाहिए, अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपको बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो इतना तक समझ पाए आप, बटे वन है यहाँ पर, वन है बटे, अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, अब बटे नीचे क्या है, साइन है, फिर प्लस नहीं है, इंटू है, देखो अब वन माइनस कॉस स्क्वायर सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर है, बटे नीचे क्या है, कॉस है, ठीक है। अब इधर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या वन होगा, ऊपर पहले से वन है, वन बटे साइन स्क्वायर प्लस कॉस वन, अब बटे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा, एक काम करो, ये गुना में है ना, रुको मैं बताता हूँ, ये गुना में है, क्या दोस्तों, ये गुना में है आपका, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दो, ये आपका क्या है, ये गुना है, तो आप डायरेक्ट इसको गुना कर दो, तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो कॉस जाएगा, दो कॉस है तो एक कॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक कॉस खत्म होगा, दो कॉस नहीं होगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए इधर बच गया। अब इधर देखो आप, इधर देखो आप, इधर देखो, इधर क्या देखो, एक एक तो खत्म हो गया, ये जो कॉस ए इंटू साइन है ये क्या ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों आपका प्रूव हो गया, ये LHS है, ये RHS है, दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है, आए समझ में। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट सवाल, तो आप 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इससे इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, तो सबसे पहले हम इससे इतना पुराएंगे, तो इसको लिखिए आप, क्या है इसको लिखिए आप, sec स्क्वायर a बटे cosec स्क्वायर, यही है ना, देखिए दोनों पर स्क्वायर क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec a बटे cosec a का होल स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, तो ऐसे देने से दोनों पर स्क्वायर चला गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है, वन बटे cos a होता है ना, अब बटे फिर इतना होता है, फिर cosec a का फॉर्मूला क्या होता है, वन बटे sin a होता है का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो और देखिए आप, हाँ और देखो, अब देखो वन बटे कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए हो गया, अब देखो वन बटे साइन है ये क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा और कॉस ए नीचे चला, ये कैसे देखो कैसे जाता है, वन बटे कॉस ए है ना, अब गुनो ये साइन ए ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो साइन ए बटा एक का स्क्वायर, ये साफ नहीं दिख रहा होगा सॉरी आपको दोस्तों, अब एक गुना साइन है तो साइन ए होगा, अब बटे कॉस ए गुना वन तो कॉस ए होगा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन ए बटे कॉस ए सूत्र क्या होता है, टेन स्क्वायर ए हो तो गया अप्रूव्ड, तो इससे इतना पुर गया ना, अब देखो फिर इससे हम इतना पुराएंगे, ठीक है। चलो ये देखो आप, ये क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बट वन प्लस कॉट स्क्वायर, यही है ना, देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको वही लिखेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, वन प्लस टेन ए बट, यही है ना, शायद यही है, तो ठीक है, ये समझ पाए, इससे हम निकाल दिए, अब इससे लिखाएंगे। देखो मैंने थोड़ा हिसाब यहाँ लिखने में मिसप्रिंट कर दिया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके बदले में दोस्तों मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसके बदले में ये लिख दिया, यहाँ जो आपका होगा यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी आपका माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी आपका माइनस होगा, इसके बदले में दोस्तों ये मैंने लिख दिया था, ठीक है, इसके बदले में होगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, इसके बदले में मैंने ये दोस्तों लिख दिया था, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ होगा वन माइनस ए बटे वन माइनस ए, तो इसको इससे पुराएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब क्या हमारा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉट स्क्वायर, यही है ना, देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे हम, वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए का सबसे पहले दोनों पर, अभी दोनों पर स्क्वायर तो मैंने इसको कर दिया, अब देखो अब कैसे करेंगे, तो वन माइनस टेन ए इसको वही रहने देंगे, ठीक है, इसको वही रहने देंगे, चलिए इसको हम वही रहने देंगे। अब क्या करेंगे देखो, अब जो ये है देख रहे हैं आप, वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए का सूत्र क्या होता है, वन बटे टेन ए होता है,
ये सबको पता होगा, अब बटे स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, अब इसका एलसीएम ले लो। क्या करो आप, एलसीएम ले लो, मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा, चलिए इधर ही ले लेता हूँ। वन माइनस टेन ए बटे, अब वन टेन का एलसीएम लेंगे, टेन ए होगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा टेन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, वन माइनस टेन ए है, वन माइनस टेन है ना। अब देखो वन माइनस टेन ए, ठीक, आइए ऊपर चला जाएगा, इधर ऊपर क्या है, ऊपर आपका क्या है, टेन ए है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बटे, ये जो टेन ए माइनस वन देख रहे हैं आप, टेन ए माइनस वन देख रहे हैं ना, तो इसको स्क्वायर दे देता हूँ। अब देखिए वन माइनस टेन ए, आइए जो टेन ए माइनस वन है इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा आपका, वन माइनस टेन ए बच जाएगा। ठीक है, इधर ऊपर तो आपका टेन ए पहले से ही है, तो इसका स्क्वायर दे देता हूँ। अब देखो वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए क्या खत्म हो गया, अभी इधर क्या बचा, माइनस टेन, यानी कि माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, टेन स्क्वायर ए ही होगा। तो देखा आपने कैसे दोस्तों, मैंने प्रूव कर दिया आपको, इससे भी दोस्तों मैंने आपको, इससे भी आपका टेन स्क्वायर या प्रूव कर दिया, और आपका इससे दोस्तों मैंने आपका प्रूव किया। थोड़ा हिसाब लिखने मुझे गलती हो गया था, हिसाब दोस्तों आपका टोटल जो ये नंबर है, आपका हिसाब ये है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए, आप बुक में देख लीजिए, वन माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर सूत्र आपका फिर है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका कहता है टेन स्क्वायर ए पुराने। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपका 8.4 देख रहा है, 8.4 दोस्तों मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।